नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं शेयर कर रही हूँ उत्तराखंड की फेमस डिश आलू के गुटके की रेसिपी, यानी कि सूखे आलू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें चाकू से ना काट कर हाथ से इस तरीके से तोड़ लिया है। अगर आप चाकू के बल्ले हाथ से तोड़ेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, उसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना लिया है, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है उसे मैंने क्रश कर लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच राई और दो सूखी लाल मिर्च ली हैं, उन्हें मैंने तोड़ लिया है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे लेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया है, कूट के ले रही हूँ मैं। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, या फिर आप नहीं खाना चाहते हैं इसे स्किप कर सकते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला, अच्छे से गर्म हो गया है। अभी हम सारे सूखे मसाले तेल में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से क्रैकल होने देंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा क्रैकल हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें हींग। अगर आप अजवाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखा था, तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है। अभी इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर रखिएगा, और आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। एक चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच लिया है आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है सांभर मसाला। सांभर मसाला से जो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप किचन किंग भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर पाव भाजी मसाला इसमें डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाले आलू में अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद मैंने इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए कुक किया है। आलू तो पके हैं, बस मसाले भी अच्छे से पक जाए इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए कुक किया है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे आलू अच्छे से बनके तैयार है। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उत्तराखंड का ये फेमस डिश है। बारीक कटा हुआ यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर आप चाय के साथ इसे स्नैक्स के रूप में खाइए, तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।